अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और SMJ टेक चैनल में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे कि MS वर्ड के अंदर हम किस तरह से एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके एंड में एक इंडेक्स दी हुई होती है जिसमें वो अल्फाज लिखे हुए होते हैं जो कि उस डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ हुए हुए हैं। तो आज हम सीखेंगे कि वो डॉक्यूमेंट का पार्ट बनता कैसे है। तो सिंस हम रेफरेंसेस के सेक्शन को भी गो थ्रू कर रहे हैं पिछली एक दो वीडियोस से, जिस तरह हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया था, हमने टेबल ऑफ फिगर्स बनाया था, इसी तरह से ये भी रेफरेंसेस के पार्ट में आता है। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट एक दिख रहा है जिसमें मैंने एक इंडेक्स क्रिएट की हुई है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि आप ये किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। तो यही इसी डॉक्यूमेंट का एक प्लेन वर्जन है। तो स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो आप वो एरिया आइडेंटिफाई कर लें कि जहाँ पे आपको ये इंडेक्स या इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है। तो मैं क्योंकि ये बिल्कुल एंड में ले जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नए पेज से स्टार्ट हो, तो इसलिए मैं एक पेज पर एक सबसे पहले इंसर्ट कर दूंगा और मैंने यहाँ पे उसको उसका नाम दे दिया और मैंने इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट कर लिया एज हेडिंग टाइप 1, ताकि मेरे डॉक्यूमेंट की एक मेन हेडिंग टाइप की आ जाए। और मैं इसकी नेक्स्ट लाइन पे आके अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम शुरू होता है। ये आसान वाला काम था, अब असल काम शुरू होता है कि पहले जिस तरह से हमने पिछले सारे उसमें देखा कि आपको कोई भी टेबल या कोई भी इस तरह की इंडेक्स क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्यूमेंट के वो पार्ट्स आइडेंटिफाई करके दें वर्ड को जिनको आप यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट में ऊपर आ जाता हूँ और मैं अब आपके आपको आके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आप इसमें मार्क कर सकते हैं। जिस तरह से मैं ये कंप्यूटर का लव्स है इसको मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स के अंदर ये डिस्प्ले हो जाए, तो मैं रेफरेंसेस के अंदर जाऊँगा और इसको मार्क कर दूंगा। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स का एक फंक्शन है जो कि बेसिकली जो भी आपने कीवर्ड्स मार्क किए हुए होंगे डॉक्यूमेंट में उनको यूज़ करते हुए इंडेक्स बनाएगा। लेकिन इंडेक्स बनाने के लिए उसको पहले वो वर्ड्स मार्किंग ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे पहले मार्क एंट्री करूँगा क्योंकि मुझे कहेगा कि भाई मेन एंट्री कंप्यूटर है। अगर मुझे कोई सब एंट्री डिफाइन करनी है तो मैं दे दूँगा जो कि मेरे लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये यहाँ पे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि मल्टीपल चीज़ें दिखा रहा है कि क्रॉस रेफरेंस आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप बताना चाहते हैं कि अगर ये कंप्यूटर है तो आप कौन से पेज पे और जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कह दिया कि नहीं, ये मार्किंग इसी करंट पेज पे लेके आना है आपने। और पेज रेंज मैं दे सकता हूँ, बुक मार्क अगर मैंने डॉक्यूमेंट में बनाए हुए हैं तो मैं बुक मार्क को रेफ़र कर सकता हूँ इससे। बुक मार्क की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके थ्रू आप देख सकते हैं बुक मार्क कैसे बनाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मार्किंग मैं कर रहा हूँ इसको मैं करंट पेज पे ही लेकर आऊँ जब भी इसको मार्क किया जाए। और मैंने इसको मार्क ऑल कर दिया तो ये मार्क हो गया और फिर मैंने ये क्लोज कर दिया। अब इसे देखें कि जहाँ जहाँ कंप्यूटर आ रहा था वहाँ वहाँ पे मुझे दिखा दिया कि ये इसने थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट मार्क कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ आपको डिफरेंट से सिंबल्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली आपके मार्कर्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट में एक जो हिडन उसके पॉइंट्स होते हैं वो दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे इसने इस तरह से मुझे दिखा दिया है कि उसने कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर के वर्ड को मार्क किया है, तो वो उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। इसी तरह से मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक वर्ड है, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ ताकि हमारी इंडेक्स थोड़ी सी रिच हो जाए। और मैं इसको भी मार्क ऑल कर देता हूँ और फिर मैं मूव करता हूँ आगे। इसके बाद फिर हम लोग एक डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे यूज़फुल को भी मार्क कर देता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास, लेट्स से मैंने पूरा सेलेक्ट नहीं किया था सॉरी, ये भी मैंने मार्क ऑल कर दिया है पूरे थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। इसके अलावा मैं
और कुछ अल्फाज उनको मार्क कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एक रिच इंडेक्स बन जाए। इनपुट डिवाइसेस को मैं मार्क कर लेता हूँ। और इसी तरह से मैंने ग्राफिक्स टैबलेट माइक्रोफोन को मार्क कर लेते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को मैं मार्क कर लेता हूँ। इसी तरह से फिर मैं मार्क करता हूँ सेकेंडरी को मार्क कर देते हैं। और फिर मैंने ऑप्टिकल को भी मार्क कर लिया, ऑप्टिकल डिस्क को। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस को भी मार्क कर लेता हूँ। एप्लीकेशन को मार्क कर लेते हैं, एप्लीकेशन की एक ही जगह यूज़ हो रहा है, इसने यहाँ पे इसको दिखा दिया। और यूनिट हमारे पास, हम यूनिट को भी मार्क कर लेते हैं। और इस तरह से हमारे पास काफ़ी मार्किंग्स आ गई, हमने वर्ड्स की मार्क कर ली। अब मैं यहाँ पे आके इसको हटा देता हूँ ताकि इजी टू रीड हो। और मैं फिर जाता हूँ रेफरेंसेस के टैब में और यहाँ पे जाके इंसर्ट इंडेक्स करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन दे रहा है कि किस तरह से आप देखना चाहते हैं। मैं इसको जैसे क्लासिक फॉर्मेट में देख सकता हूँ, फैंसी फॉर्मेट में देख सकता हूँ, मॉडर्न फॉर्मेट में मुझे वो दिखा रहा है, बुलेटेड फॉर्मेट में भी दिखा रहा है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस मुझे वो दिखा रहा है कि जिसको मैं यूज़ करते हुए एक फॉर्मल उसमें देख सकता हूँ। जैसे मैं फॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया कि भाई मेरे पास आप इसको एक उसमें इंटेंडेड में दिखाएं और दूसरा आप जो है इसको कॉलम्स एक उसमें तीन कॉलम्स पे ब्रेक करके दिखा रहे हैं। सॉरी, मैंने मार्क एंट्री पे चला गया था और मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे इसने, आप देख सकते हैं, मेरे सामने एक टेबल क्रिएट कर दिया। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसने दिखा दिया कि एप्लीकेशन पेज 6 पे आ रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट 6-4 पे आ रहा है, कंप्यूटर जो है इतनी जगह पे रिपीट हो रहा है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो जहाँ जहाँ वो वर्ड जो मैंने मार्क किए थे वो डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहे हैं, वो वहाँ पे उनका पेज नंबर उसने मुझे दिखा दिया। ये यूज़फुल उस वक्त होता है जहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ सर्च करना चाहें या आपको पता ना हो कि डॉक्यूमेंट में कहाँ मौजूद है, तो आप इंडेक्स पर डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से रिलेटेड कुछ देखना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ जाऊँगा और मुझे पता चल जाएगा कि पेज नंबर 4 पे दी गई है, मैं डायरेक्टली पेज 4 पे जंप करके चला जाऊँगा। तो ये एक आज की वीडियो का पर्पस था कि आपको डॉक्यूमेंट के अंदर इंडेक्स क्रिएट करना सिखाया जाए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करके सब्सक्राइब रहिएगा ताकि आपको नए नए टॉपिक्स के बारे में पता चलता रहे और आप अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो अपने वीडियो को गौर से देखिएगा और इसमें तवज्जो से इसको सुनिएगा ताकि आप को अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में जो है डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो अगले वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।